तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। आगरा में रेल मंत्रालय निभा रहा है बड़ी भूमिका, रेलवे से खिलाड़ियों को मिल रहा है प्रोत्साहन, रेल डिविजन में हुई शूटिंग रेंज की शुरुआत। बरेली में बारिश का कहर, स्मार्ट सिटी की सड़कें बनी है तालाब, डीएम ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में छुट्टी। भदोही में नाबालिग का अपहरण करने का प्रयास, बाइक सवार 4 युवक घटना को अंजाम देते हुए नजर आए, शोर मचाने पर भागे बदमाश। बदायूं में नगर निगम की लापरवाही से जा सकती थी स्कूली बच्चों की जान, बारिश के पानी से भर चुका है ट्रांसफार्मर, सोही विकास क्षेत्र वजीरगंज का है पूरा मामला। सहारनपुर में बाग में मिला है अज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव की शिनाख्त की। रायबरेली में गांधी चौराहे के पास मिला युवक का शव, तिकोना पार्क के निकट का रहने वाला मृतक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में युवा व्यापारी को आत्महत्या के लिए उकसाना भारी पड़ गया, पत्नी और सास को भेजा पुलिस ने जेल, नहीं मिली जमानत पर रिहाई। कानपुर में दबंग हुए बेखौफ, मामूली विवाद में पति पत्नी की जमकर पिटाई, बजारिया थाना क्षेत्र के रामबाकी घर। एटा में मेडिकल कॉलेज का मानवीय चेहरा, प्रसव पीड़ा में तड़पती पत्नी को छोड़कर भागा पति, महिला को तड़पता देख कॉलेज स्टाफ ने अस्पताल में भर्ती करवाया। बरेली में शटरिंग गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक विदेशी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में एएमयू से छात्र नेता छात्रों के बीच से गायब हुआ, देर रात तक छात्रों ने किया हंगामा, एएमयू के सभी गेटों पर ताले लगा दिए। अलीगढ़ में अवैध हथियार रखने का सिलसिला जारी है, युवक का हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, महुआ खेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा शख्स। बस्ती में पति पत्नी के साथ हुई दर्दनाक घटना, पत्नी से रेप फिर जहर खाकर पति पत्नी का हुआ मर्डर, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में अवैध कब्जे पर गरजा है बुलडोजर, अवैध निर्माण की ग्रामीण कर रहे थे शिकायत, दयालबाग क्षेत्र का मामला। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया, अपराधी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। खून के रिश्ते तार तार हुए, रायबरेली से सामने आया यह मामला, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बंदरों के आतंक से कई लोग घायल, कई बार बंदर आम लोगों पर कर चुके हैं हमले, शिकायत के बावजूद भी अब तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। नगर निगम ने चलाया स्वच्छता सेवा कार्यक्रम, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते नजर आए। महिला का फंदे से लटकता मिला शव, मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इलाज के दौरान रोगी की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप, जांच में जुटी पुलिस। महोबा में विवाहिता ने की आत्महत्या, मायके वालों ने ससुरालजनों पर लगाए हैं हत्या करने के आरोप, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। वाराणसी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है बस, लगभग 10 यात्रियों में घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 12 लोगों पर हुआ हमला, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किया 2 दिवसीय मेला, सरकार हर गरीब तक पहुंचा रही है आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ, हर किसी को मिले। इटावा में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, 7 साल की बालिका के साथ मिस्त्री ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में गांव में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में फैली दहशत, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। झांसी में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया, सुने घर को चोरों ने बनाया था निशाना, चोरी सहित माल पर हाथ साफ किया। मथुरा में पत्रकार के साथ मारपीट का मामला, जानलेवा हमला किया गया, गांजा बेच रही महिला का कर रहा था कवरेज, महिला के परिजनों ने जमकर पीटा। बागपत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध विस्फोटक सामग्री, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
रायबरेली में सैकड़ों साक्षरता कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, वेतन बहाली को लेकर आवाज की बुलंद, सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। बदायूं में झाड़ियों में छिपा मिला लापता युवक का कंकाल, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की तफ्तीश में। बाराबंकी में भाकियो गुट और श्रीराम सेवा समिति का दो दिनों से भूख हड़ताल जारी है, शव यात्रा प्रदर्शन कार्यक्रम को किया स्थगित, मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल जारी है। कानपुर में दिव्यांगों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक का आयोजन, सभी दिव्यांगों की समस्याओं का किया गया समाधान, न्याय के उद्देश्य से की गई बैठक। कुशीनगर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को जारी किया निर्देश, जिला अस्पताल में अब तक करीब 15 लोग भर्ती। प्रतापगढ़ में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का लोगों ने किया अभिनंदन, समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बीजेपी जिला प्रभारी। गाजीपुर के लंका मैदान में विश्वकर्मा समाज ने किया है पूजा अर्चना का कार्यक्रम, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा। फरुखाबाद जेल में डीजी और डीआईजी ने किया है कारागार फतेहगढ़ का निरीक्षण, कहा जेल में कैदियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना उद्देश्य है।